चलिए बुलेटिन का आगाज एक बड़ी खबर के साथ कर रही हैं। लोकसभा चुनाव में जेजेपी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। लोकसभा चुनाव में जेजेपी की मुश्किलें बढ़ी हैं। सिरसा के गांव की सोशल मीडिया पर एक फोटो जो है वो जमकर वायरल हो रही है, और उस फोटो में क्या है, जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यक्रम में लोग नहीं पहुंचे हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें, मात्र 10 से 15 लोगों से बात करते नजर आए हैं अजय चौटाला। बड़ा ही चिंता का विषय है जेजेपी के लिए। सिरसा के गांव शक्कर मंदोरी की यह फोटो है जो तेजी से वायरल हो रही है। कार्यक्रम में 9 वक्ता हैं, मात्र 10 से 15 लोग ही नजर आए हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए, 1, 2, 3 और ये संख्या आप देखेंगे तो 10 जो वक्ता है वो नजर आ रहे हैं, या यूं कहे पार्टी के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। और अगर जो लोग उनको सुनने के लिए पहुंचे हैं, जो लोग वहां पर शामिल हुए हैं, उनकी संख्या की बात करें 10 से 15 लोग ही नजर आ रहे हैं। तो जेजेपी की हालत क्या हो चुकी है, वो भी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। और ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये सिरसा के गांव शक्कर मंदोरी की है। ये फोटो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जो जेजेपी की हालत को दर्शा रही है। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यक्रम में ही जब लोग नहीं पहुंचेंगे, क्या अब इतने में ही सिमट कर रह गई है पार्टी, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि सभी जानते हैं पिछले कुछ दिनों में जननायक जनता पार्टी से उसके कई नेताओं ने किनारा कर लिया है, कई नेताओं ने किनारा किया है, और उसके बाद पार्टी की हालत कुछ इस तरह की नजर आ रही है। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, अजय चौटाला खुद मानो मूल अटकाए बैठे हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं जननायक जनता पार्टी की हालत को, जनता कहां है। अगर ये कार्यक्रम रखा गया था तो इसकी जानकारी सभी को दी गई होगी, लेकिन लोग ही नहीं नजर आ रहे। ये 3 तस्वीरें अब हम आपको दिखा रहे हैं, और जननायक जनता पार्टी की हालत पिछले कुछ दिनों में क्या हुई है, उन इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए। देखिए, दिग्विजय चौटाला का जब जमकर विरोध हुआ गांव में, ये उस दौरान की तस्वीरें हैं, किस तरह से उनके काफिले को ही रोक लिया गया, जमकर विरोध किया गया, और यही विरोध जो है, इसी विरोध का सामना अजय चौटाला को भी करना पड़ा। और तीसरी तस्वीर दुष्यंत चौटाला का जब विरोध हुआ उस दौरान की है। तो ये 3 तस्वीरें जिनमें दिग्विजय चौटाला, अजय चौटाला और दुष्यंत चौटाला का भी जमकर विरोध हो रहा है। तो जेजेपी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हर मोर्चे पर जेजेपी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ पार्टी में भागम भाग का दौर देखने को मिल रहा है, लगातार पार्टी से नेताओं का मोह भंग होता हुआ नजर आ रहा है और वो पार्टी छोड़ रहे हैं। तो दूसरी तरफ जेजेपी नेताओं को लेकर लोगों में भी भारी नाराजगी है। अभी कुछ दिन पहले की ही ये तस्वीरें हैं जो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे दिग्विजय चौटाला, और फिर अजय चौटाला का भी एक कार्यक्रम नजर आया, दुष्यंत चौटाला का भी कार्यक्रम था। चुनाव प्रचार के लिए ये पहुंचे तो थे, लेकिन भारी विरोध का सामना इन्हें करना पड़ा। शायद इतने भारी विरोध की उम्मीद तो खुद पार्टी ने नहीं की होगी। और देखिए, इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, जिनमें वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादौन जी जुड़ गए हैं और हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवाड़ी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित, सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूंगी, क्योंकि ये जो तस्वीर सामने आई है, क्या ये जेजेपी की हालत को दर्शा रही है? जेजेपी अभी किस सिचुएशन में पहुंच चुकी है, किन परिस्थितियों में पहुंच गई है, ये उस सिचुएशन को, उस हालत को दर्शा रही है ये तस्वीर? अमित, देखिए सृष्टि, इसमें तो कोई दो राय है नहीं कि जिस स्थिति को एक तस्वीर के माध्यम से जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है, उस तस्वीर के जरिए समझा जा सकता है कि इस समय हालत क्या है। जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र, सिरसा जिला का विधानसभा क्षेत्र है, इसका गाँव है चक्कर मंदोरी, जहाँ पहुंचते हैं लोगों से रूबरू होने के लिए। लेकिन कुछ गिनती के लोग ही वहाँ बैठे हैं,
और उनके सामने ही जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जनता पार्टी के, वो उनको देखकर शायद मायूस है या वैसे मायूस बैठे हैं। लेकिन देखिए ओवरऑल अगर बात करें सृष्टि, तो जब से जननायक जनता पार्टी का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से टूटा है और वो सत्ता से अलग हुई है, तब से ही लगातार उसमें बिखराव देखने को मिल रहा है। तो बिखराव भी देखिए, जो सदन में विधायक उनसे नाराज थे, उनके बेटे लगातार छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि विधायक की तो वो छोड़ नहीं सकते, क्योंकि देखिए दल बदल अधिनियम लागू हो जाता है, तो ऐसे में वो अपने विधायक की पर तो जमे रहना चाहते हैं, लेकिन पारिवारिक सदस्य उनके छोड़कर जा रहे हैं और वो पार्टी में अपने पद छोड़ रहे हैं। तो इसके जरिए वो एक संदेश देना चाहते हैं कि एक तरह से उन्होंने जननायक जनता पार्टी को छोड़ दिया है। ठीक है, चलिए अमित आप बने रहिए, मैं जादौन साहब से भी सवाल करूंगी, लेकिन उससे पहले जेजेपी प्रवक्ता अजय गुलिया जी भी जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं से जान लेते हैं कि ये तस्वीरें क्या बता रही हैं। गुलिया साहब स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर, और ये जो तस्वीर वीडियो माफ कीजिएगा ये जो तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, इसको किस तरह से आप समझा पाएंगे? सिरसा का गांव है शक्कर मंदोरी, और तस्वीरों में अजय चौटाला को भी हम देख रहे हैं, जो लोग वहां पर मौजूद है, जो भीड़ वहां पर मौजूद है उसको भी आप देख रहे हैं, किस तरह से इसको समझाएंगे थोड़ा अगर आप एक्सप्लेन कर दे पहले तो? नहीं देखिए, मैं पहली बात तो इसकी पुष्टि नहीं करता कि ये तस्वीर जो है वो सही है गलत है। दूसरा देखिए, राजनीतिक कार्यक्रम कोई अच्छे भी होते हैं राजनीतिक कार्यक्रम, और कई बार सूचना ना होने की वजह से या कोई कमी रह जाती है, तो उस वजह से कार्यक्रम राजनीतिक कार्यक्रम कई बार अच्छे भी नहीं होते, ये राजनीति का हिस्सा है, चलते रहते हैं। और हम तो संघर्ष से निकले हुई पार्टी है, हमने तो शुरुआत में भी संघर्ष किया था, जब लोग कहते थे कि कुछ बच्चों का टोल है, उसके बाद भी हमने विधानसभा में अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया, 17% वोट हम लोगों ने दी। तो ये चीजें राजनीति में चलती रहती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब मैं कहूँ हमारी कितनी अच्छी रैलियां हो रही है, लोग स्पष्ट करके हमारी रैलियां हो रही, कृष्ण जी जहाँ जा रहे हैं लोगों का प्यार उत्साह देखने को मिल रहा है, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी भी भिवानी महेंद्रगढ़ के कार्यक्रम कर रहे थे, तो शानदार कार्यक्रम थे। कई बार कार्यक्रम बहुत अच्छे भी होते हैं और कई बार कुछ फीके भी रह जाते हैं। आप कह रहे पुष्टि नहीं करेंगे इस तस्वीर की, किस बात की पुष्टि नहीं करेंगे? क्या आपको अजय चौटाला नजर नहीं आ रहे? क्या आपको पार्टी के अपने कार्यकर्ता नजर नहीं आ रहे? आप किस चीज पर एतराज जता सकते हैं इस तस्वीर को देखकर? नहीं, कुछ तस्वीरें मुफ्त होती हैं। अभी पीछे सिसाई गांव की तस्वीर आई कि बीजेपी जेजेपी के नेताओं का आना मना है, और वो जो तस्वीर थी वो किसान आंदोलन की थी, क्योंकि तब सरपंच वहां कमलप्रीत थी और बाद में अब सरपंच मौजूदा सरपंच वहां पिंकी देवी है, और तब की तस्वीर को वायरल लोग कर रहे थे। तो देखिए सोशल मीडिया जो है इस पर अपनी मर्जी से कोई कैसी भी तस्वीर डाल दे, लेकिन सच्चाई जो है वो अलग होती है। और सच्चाई क्या है वो भी आप बखूबी समझ रहे हैं, जानते हैं, क्योंकि हमने वो खबर भी दिखाई, आज फिर वो खबर दिखाई जब हमने देखा था अजय चौटाला का, दुष्यंत चौटाला का जमकर विरोध किया जनता ने, जब ये अपने कार्यक्रम के लिए जा रहे थे, जनता को संबोधित करने जा रहे थे, जनता से मिलने जा रहे थे, लेकिन ग्रामीण इतनी नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आए जेजेपी से। आपको नहीं लगता कि जेजेपी अभी काफी मुश्किलों में है? नहीं देखिए, ये लोग कौन है? अगर देखिए कहीं विरोध हो रहा है तो ये लोग कौन है? ये हमारे लोग और हमसे कोई नाराजगी है तो हमसे विरोध जताएंगे, हमारे अपने लोग हैं, हरियाणा प्रदेश के लोग हैं। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहता हूँ कि दो तीन बारी जैसे सामने आया पीछे कि कुछ लोगों ने विरोध किया और बाद में पता चला वो दूसरे राजनीतिक दल के सक्रिय कार्यकर्ता हैं और वो जानबूझ करके खबरों में आने के लिए इस प्रकार का विरोध करते हैं। और मैं तो इससे भी बड़ी बात आपके सामने अभी कह चुका हूँ कि ये जो अगर कोई विरोध कहीं हो भी रहा है तो वो कौन कर रहे हैं? हमारे ही लोग हैं, कोई शिकायत होगी तो हमसे ही होगी ना, विरोध भी हमारा ही होगा, प्यार भी हम इनसे करेंगे। और इन्हीं लोगों ने वोट दे करके 17% वोट भी दिए थे, 10 विधायक भी आए थे। तो ये चीजें राजनीति में चलती रहती हैं। देखिए लोग प्यार भी करेंगे, लोग विरोध भी करेंगे, जो लोग किसी दूसरी विचारधारा में विश्वास रखते हैं वो लोग विरोध भी करेंगे। लेकिन मैं एक चीज मानता हूँ, देखिए विरोध करना, अगर कोई विरोध करता है उसका डेमोक्रेटिक राइट है, करना चाहिए, लेकिन लोकतांत्रिक मर्यादाओं को ताक पे रख करके नहीं। विरोध करें ठीक है, किसी को कार्यक्रम में नहीं आना वो ना आए, लेकिन कार्यक्रम करना प्रत्येक राजनीतिक दल का, मैं सिर्फ जननायक जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रत्येक राजनीतिक दल का अधिकार है और उनको करने भी चाहिए। अगर किसी को
विरोध करना है तो डेमोक्रेटिक तरीके से अपना विरोध। गुलिया साहब आप बने रहिए, राजेंद्र जादौन जी से थोड़ा समझ लेते हैं। जादौन साहब देखिए, अजय गुलिया जी कह रहे हैं कि एक तो तस्वीर पर वो बोलना ज्यादा नहीं चाह रहे क्योंकि कह रहे हैं सोशल मीडिया पर फेक चीजें भी वायरल होती हैं, लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगी कि अभी आप जेजेपी को किन परिस्थितियों में देख रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, इतने विरोध का सामना पार्टी को आखिर करना क्यों पड़ रहा है? देखिए ऐसा है कि जब तक ये सत्ता में रहे तो लोग इनके साथ जुड़े रहे, उनको लगता था कि कुछ हासिल हो रहा है, इसलिए पावर में रहना है तो पार्टी के साथ बने रहना है। यदि वो सत्ता से बाहर हुए तो भगदड़ मच गई पार्टी में। मैं वो ये है, मैं चुनाव लड़ा 2019 में तो भारतीय जनता और ये कहा कि इनको यमुना पार भेज देंगे, इनका एक नारा था। फिर इसके बाद चुनाव होने के बाद ये भारतीय जनता पार्टी के साथ मिली है, तो इनके समर्थकों में जो नाराजगी की शुरुआत हुई वहीं से हुई है। इसके बाद किसान आंदोलन आया तो किसान आंदोलन में तो ये भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े थे, क्योंकि जो हितों की इन्होंने कोई परवाह नहीं की, जो इनका जनाधार था वो किसानों के बीच में ज्यादा था, ये शहरी क्षेत्र की पार्टी नहीं थी, तो इन्होंने जो है उस जनाधार की परवाह नहीं की, तो उसमें भी फिर कमी आई। अब सवाल ये है कि विरोध की बात कर रहे हैं तो विरोध तो करना अधिकार है और पार्टी के अंदर भी, पार्टी के मंच पर भी विरोध होता है, लेकिन विरोध होना एक अलग बात है, साथ छोड़ रहे हैं लोग। अभी जो है पार्टी इसको स्वीकार भी नहीं कर रही है, या तो पब्लिकली नहीं एक्सेप्ट करना चाह रही है। स्वीकार तो वो नहीं करना चाहते ना, वो चाहते हैं कि किसी तरह से बना रहे, कि लोगों के मन में ये बना रहे सार्वजनिक रूप से ये स्थिति बनी रहे कि पार्टी अभी भी स्टैंड कर रही है, लेकिन काफी अंदर से स्थिति कमजोर हो चुकी है। अभी उनके जो प्रदेश अध्यक्ष थे उन्होंने पार्टी छोड़ी, पद से इस्तीफा दिया, आज वो कांग्रेस ज्वाइन करने जा रहे हैं। अभी किसान सरदार निशान सिंह जी तो बड़े बड़े नेता छोड़ गए, कई विधायक नाराज होकर चले गए, तो अब ये देखने की बात है कि पार्टी अपने आप को कैसे रीस्टेट करेगी, ये तो उनको देखना है, और निश्चित तौर पर के लोगों के बीच में जाना चाहिए। ठीक है, जादौन साहब बने रहिए आप, क्योंकि इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ गई है, खबर का रुख कर लेते हैं। तो देखिए बड़ी जानकारी, जेजेपी छोड़ कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं निशांत सिंह। देखिए आज ये बता दिया गया था कि आज कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे निशांत सिंह, ईश्वर सिंह के बेटे रणधीर सिंह भी छोड़ चुके हैं जेजेपी। बड़ी जानकारी, जेजेपी के झज्जर जिला अध्यक्ष संजय कबलाना ने भी पार्टी छोड़ दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस ज्वाइन करेंगे रामकरण काला के दोनों बेटे। तो ये जेजेपी की स्थिति अभी बनी हुई है, जिस सिचुएशन में जेजेपी है बहुत विचार करने की जरूरत। चरखी दादरी से रबू पंजाबी जेजेपी के गोलविदा कह चुके हैं, विधायक जोगीराम सिहाग सभी पदों से इस्तीफा दे चुके हैं। तो अब तक क्या कुछ घटा है जेजेपी में वो हम आपको बता रहे हैं। पिछले कई दिनों में काफी नेताओं ने जेजेपी छोड़ दी है और अब जेजेपी ऐसे हालातों में आ गई है, तस्वीरें आपने भी देखी, किन हालातों में जननायक जनता पार्टी पहुंच चुकी है कि सिरसा जाती है, गांव शकर मंदोरी जाती है, सिरसा जो एक समय में गढ़भी कहा जाता था जेजेपी का, वहां पे भी इस तरह के हालात, जेजेपी को ऐसे हालातों का सामना करना पड़ रहा है कि लोग ही नहीं है, कार्यक्रम रखा गया है तो ना उनको सुनने वाला कोई मौजूद नजर आ रहा है, महज 10 से 15 लोग नजर आ रहे हैं, कार्यक्रम में 9 वक्ता पहुंचे हैं, अजय चौटाला खुद मायूस से नजर आ रहे हैं। और देखिए बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, लगातार मेरे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं, सीधे मैं अमित का रुख करना चाहूंगी। अमित, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, और इन सब बातों को अगर समझा जाए तो सबसे बड़ी बात यह है कि जेजेपी के लिए मुश्किलें कम नहीं हो रही है, बावजूद इसके जेजेपी इसे स्वीकार करना नहीं चाह रही है, बार बार मीडिया के सामने खुद को एक्सप्लेन कर रही है और दिखाने की कोशिश यही कर रही है कि फर्क नहीं पड़ता। देखिए सृष्टि, हमारे साथ हमारे प्रबुद्ध साथी हैं, अजय गुलिया जी मौजूद हैं, जननायक जनता पार्टी के लिए वे बचाव की मुद्रा में हमेशा रहते हैं, ऐसी बात नहीं, अपनी पार्टी का पक्ष मजबूती से रखते रहे हैं। उन्हीं के से ही मेरा पहला सवाल है कि जननायक जनता पार्टी की जिस फोटो की आज जो वायरल हुई है अजय सिंह चौटाला जी की, वो उसे फेक बता रहे हैं, लेकिन लगातार जो इस्तीफे हो रही हैं क्या वे फेक हैं, और अगर वो इस्तीफे हो रहे हैं तो उसकी वजह अजय गुलिया जी क्या लगती है कि इतनी पार्टी कमजोर एकाएक किस तरह से हो रही है? ठीक है, देखिए मैं एक चीज का जवाब दे दूं,
मैं एक चीज का जवाब दे दूं कि व्यक्ति बड़ा नहीं होता, संगठन बड़ा होता है। अब कुछ लोग जिनकी राजनीति महत्वाकांक्षा है वो छोड़ के जा रहे हैं। देखिए, मैं ही आपके टीवी पे ये नहीं कह सकता कि उससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क जरूर पड़ता है, लेकिन चुनाव के दौरान ये हमेशा देखा जाता है कि बहुत से लोग छोड़ करके जाते हैं और बहुत से नए साथी साथ आकर के जुड़ते हैं। तो ये एक राजनीति में एक सामान्य प्रक्रिया है। हाँ, हमें देखिए इस बात की पीड़ा है कि कुछ लोग छोड़ के जाते हैं, लेकिन अब जिनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है हमारे यहाँ पूरी नहीं हो सकती, हो सकता है उनको किसी और राजनीतिक दल में अपना भविष्य दिखता हो, तो हम तो उनको भी शुभकामनाएं देंगे। क्या मानते हैं अनुप्रिया जी की इस हालत के लिए जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? क्या पार्टी का नेतृत्व इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार रहा है, या जो सत्ता सुख भोगा जो भाजपा के साथ मिलकर, जैसे पहले नारा दिया गया था कि यमुना पार भेज देंगे भाजपा को, लेकिन आप 10 सीटें आई तो आप जुड़कर गठबंधन पोस्ट अलायंस हुआ और आप उसके साथ जुड़े रहे, तो क्या मानते हैं इसकी यह नाराजगी रही या कोई और वजह रही जिस वजह से, या सभी लोग संतुष्ट नहीं हो पाए, सत्ता सुख उन्हें नहीं मिल पाया, क्या वजह मानते हैं आप? नहीं, अगर देखिए इस चीज की कोई नाराजगी होती तो वो सरकार बनने के तुरंत बाद छोड़ करके जाते। ये तो स्पष्ट रूप से है कि उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा या तो पूरी नहीं हुई, या उनकी और ज्यादा राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं जो वो जो उनको लगता है कि वो दूसरे दलों में पूरी हो सकती हैं, तो उन्होंने दूसरे दलों को चुना। हाँ, अगर मैं ये मानता, अगर नाराजगी होती, अगर गठबंधन में हमारे सरकार में आने से और दुष्यंत जी को मुख्यमंत्री बनने से नाराजगी होती तो सरकार बनने के तुरंत बाद वो छोड़ करके जाते, लेकिन तब तो वो लोग छोड़ करके नहीं गए थे ना, तब तो लोग वो सत्ता में रहे। अब उनको लगता है कि यहाँ उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा शायद पूरी ना हो सकती हो, कोई लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहता हो, कोई विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहता हो, और उनको लगता है कि शायद इस बारी उनको टिकट नहीं मिलेगा। गुलिया साहब, आपकी पार्टी इतनी मजबूत भी नहीं है, यही कहें, आपकी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता बस इतना ही लगाव रखते थे पार्टी से, बस इतना ही प्यार था पार्टी से कि अगर गठबंधन टूटा, सरकार गई, तो इस तरह के तेवर उन्होंने दिखाए, ये तो बहुत हैरानी की बात है। देखिए, मैं एक चीज मानता हूँ कि कार्यकर्ता कोई छोड़ करके नहीं गया, नेता लोग हैं जिनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा, मैं बार बार एक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं होती है लोगों की। अब अगर उनको कोई दूसरे दल में वो तलाश रहे हैं तो वो दूसरे दल में जाने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन कार्यकर्ता जननायक जनता पार्टी का पूरी मजबूती के साथ पार्टी के साथ खड़ा है। और पार्टी, देखिए चुनाव के नतीजे क्या होंगे ये तो आने वाला समय बताएगा, मैं तो भविष्य देख नहीं सकता, लेकिन पूरी मजबूती से जननायक जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी, लोगों के बीच में रहेगी। और मैं तो एक चीज कहना चाहता हूँ कि जो निर्णय दुष्यंत जी ने उप मुख्यमंत्री रहते हुए लिए, क्या वो जनता के हित में, किसानों के हित में नहीं थे? किसान के खाते में सीधा पैसा जाएगा, ये निर्णय लिया। अब अगर कोई ये कह दे कि 3000 पेंशन करना भारतीय जनता पार्टी की सोच थी, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में इनकी सरकार है, मध्य प्रदेश में इनकी सरकार है, राजस्थान में इनकी सरकार है, और कई राज्यों में इनकी सरकार है, वहां तो किसी राज्य में पेंशन 1500 से ऊपर नहीं है। अगर इतनी कल्याणकारी नीतियां थी तो वहां भी 3000 हो जाती। हरियाणा में 3000 क्यों हुई? हरियाणा में 3000 इसलिए हुई कि दुष्यंत जी की सोच थी, हमारा गठबंधन का एक टारगेट था कि इसको 5000 तक लेकर के जाएं, उसमें हम सफल नहीं हुए 5000 ले जाने तक, लेकिन 3000 तो हम ले। ठीक है, आप बने रहिए। दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे हैं निशांत सिंह, ये भी बड़ी जानकारी दे दें, दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे हैं निशांत सिंह, थोड़ी देर में कांग्रेस में शामिल होंगे निशांत सिंह, थोड़ी देर में कांग्रेस से हाथ मिलाएंगे, कांग्रेस का हाथ थामेंगे निशांत सिंह, भूपेंद्र हुड्डा उदय भान की मौजूदगी में कांग्रेस का दामन थामेंगे, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे दें। जेजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं निशांत सिंह। देखिए, बस कुछ ही देर में वो तस्वीरें सामने आ जाएंगी जब निशांत सिंह जो है कांग्रेस का हाथ थाम लेंगे। और देखिए, अजय गुलिया जी भी लगातार बने हुए हैं। अजय जी, ये बताइए कि ये पार्टी के लिए निशांत सिंह ने जब पार्टी छोड़ी, क्या वो भी एक बड़ा धक्का नहीं था पार्टी के लिए, और अब से कुछ ही देर में कांग्रेस के हाथ से हाथ मिलाने जा रहे हैं? अजय गुलिया जी, पार्टी का कोई साधारण कार्यकर्ता भी पार्टी छोड़ता है ना, वो भी पार्टी के लिए नुकसान की बात है, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष छोड़ के गए हैं तो निश्चित तौर पर नुकसान की बात है। आपको एक चीज समझनी चाहिए, देखिए उनकी भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी कि वो चुनाव लड़े, वो विधायक बने, उनको पार्टी ने मौका भी दिया, पार्टी ने उनको पूरा मान सम्मान दिया, वो प्रदेश अध्यक्ष रहे, सरकार के दौरान भी प्रदेश अध्यक्ष रहे। अब उनकी क्या सोच थी, वो कहाँ अपना राजनीतिक भविष्य देख रहे हैं, ये उनका डेमोक्रेटिक राइट है, उसको अवेल किया, वो स्वतंत्र है, कहीं भी जाने के लिए वो जा सकते हैं। हाँ, नुकसान जरूर होता है। देखिए, पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता भी छोड़ करके जाता है तो पार्टी को नुकसान होता है,
पीड़ा भी होती है, जिनके साथ हम लोगों ने काम किया है अगर कोई साथी छोड़ करके जाता है तो पीड़ा होती है। पर देखिए ये पार्ट ऑफ गेम, ये राजनीति का एक हिस्सा है। चुनाव के दौरान लोग छोड़ करके भी जाते हैं, नए लोग साथी जुड़ते भी हैं। साहब लोग छोड़ कर जा रहे हैं समझ आ रहा है, लेकिन जब जनता भी साथ ना दे। देखिए सृष्टि, ये वही जनता है जिन्होंने दुष्यंत जी को सर आंखों पर बैठाया था, ये वही जनता है जिन्होंने 9 महीने पुरानी पार्टी को 17% वोट दिए थे। आज अगर इन कोई किसी बात को लेकर के इनमें नाराजगी है तो हमारे अपने ही लोग हैं, इनके बीच में जाएंगे, नाराजगी को दूर भी करेंगे। नाराजगी की वजह समझने की कोशिश की आपने? नहीं, नाराजगी की वजह सिर्फ साफ तौर पे एक ही है, अगर ये लोग हमारे भाजपा के साथ गठबंधन में आने से नाराज होते तो तभी छोड़ करके जाते, ये तो नहीं छोड़ के गए। ये छोड़ करके गए जब हम लोगों का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ टूटा और हम लोग सत्ता में नहीं है, ये अब छोड़ करके जा रहे हैं, तो ये तो स्वार्थी लोग हुए। अगर इनकी कोई नाराजगी थी किसी बात को लेकर के, गठबंधन को लेकर के इनकी नाराजगी थी तो इनको 2019 में पार्टी छोड़नी चाहिए थी, इन्होंने तब नहीं छोड़ी, इन्होंने पार्टी अभी छोड़ी है जब हम लोग सत्ता में नहीं है, तो ये तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया। मेरे कहने की जरूरत ही नहीं कि ये लोग तो स्वार्थी किस्म के लोग थे कि राज में रहे तो साथ रहे और जब हम राज में नहीं है पार्टी सरकार में तो नहीं है तभी बुलिया साहब, मैंने तभी यही कहा कि किस तरह के नेता और किस तरह के कार्यकर्ता आपकी पार्टी में थे कि जब वक्त बदला तो इस तरह के कदम उनकी तरफ से उठाए गए। मैं अब जादौन साहब आपसे समझना चाहूंगी, अब जेजेपी क्या इस बात को समझ पा रही है कि लोगों की नाराजगी क्यों सामने आ रही है रह रहकर, या फिर उनके अपने ही पार्टी के नेताओं की कार्यकर्ताओं की नाराजगी क्यों रह रहकर सामने आ रही है? हालांकि मौका परस्त बता रहे हैं गुलिया साहब अपने ही पार्टी के नेताओं को जिन्होंने पार्टी छोड़ी है। देखिए हम आज की स्थिति में तो मौका परस्त ही कहेंगे, लेकिन पार्टी ने भी तो गठबंधन किया। अब वो जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ते अगर उन्होंने गठबंधन किया तो ये भी एक मौका परस्त थी। फिर वो जो है उसको जनहित का नाम देके, प्रदेश के विकास का नाम देके, कोई ना कोई आधार और कोई ना कोई सिद्धांत को उसके लिए तय किया ही जाता है, हर पार्टी यही करती है, वो परिस्थिति के अनुसार कोई फैसला करेगी। जो उनका चुनाव में जो उनका वो नैरेटिव था कि हम जो है अपनी पार्टी की विचारधारा के अनुसार इन इन मुद्दों पर काम करेंगे और हमें पावर में आना है, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आप चुनाव लड़ रहे थे, कांग्रेस के खिलाफ भी लड़ रहे थे, फिर आपने एक पार्टी से अलाइन कर लिया, सरकार बना ली। अब सीधे जब तक सत्ता में थे तो निश्चित तौर पर जो नेता है आपके साथ वो सत्ता में तो रहना ही चाहेंगे, अब सत्ता में नहीं है तो आपके साथ आम आदमी भी साथ छोड़ रहे हैं। मैं समझता हूं कि जब आपने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा था और जब आपने उसी से अगर अलायंस किया तो मुझे लगता है कि वो जो आपका समर्थक आधार था वो उसी समय आपसे एक तरह से मन से टूट चुका था, वो चाहे दिखावे में आपके साथ खड़ा रहा हो। फिर किसान आंदोलन आया, किसान आंदोलन में आप किसान के साथ नहीं थे, जबकि आपका एक ग्रामीण जनाधार है, किसानों के बीच में आपका आधार था, तो आपको किसान के साथ जाना चाहिए था, लेकिन आप जो है अलायंस की वजह से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ आपका गठबंधन था और आप सत्ता में थे तो आपको फिर उनकी नीतियों का समर्थन करना पड़ा, तो फिर क्या आपके साथ जो जनाधार था उसकी अपनी अपेक्षा थी, आपने उनको छोड़ दिया, उनकी अपेक्षाओं को दरकिनार कर दिया, तो फिर आप आज आप कमजोर स्थिति में है तो वो आपके साथ क्यों खड़ा रहे? बिल्कुल ठीक है। और अमित आपसे मैं देखिए ये भी सवाल मैं करना चाह रही थी कि अब जेजेपी की तरफ से जो बयानबाजी सामने आती है, खुद हम अजय चौटाला के ही बयानों का अगर जिक्र करें तो इनेलो की तरफ थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर दिखाते हुए भी नजर आ रहे हैं। देखिए सृष्टि, अजय सिंह चौटाला का बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर ओम प्रकाश चौटाला उन्हें बुलाते हैं तो वे चले जाएंगे, शामिल हो जाएंगे, उनके साथ जुड़ जाएंगे, या जिस रूप में भी उन्होंने अपनी बात कही, लेकिन दूसरी ओर अजय सिंह चौटाला ने उसे बिल्कुल सिरे से ही नकार दिया। जो दरवाजा खटखटाने की कोशिश अजय सिंह चौटाला ने की थी वो दरवाजा पहले से ही बंद था और उस पर एक कुंडा और जो है वो उस पर जड़ दिया। तो ऐसे में देखिए अभी तल्खियां मिटी नहीं है और आप देख रहे हैं लगातार अजय जी हमारे साथ मौजूद हैं, वो समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जेजेपी को सड़क पर भी लोगों का विरोध झेलना पड़ रहा है और संगठन में लोग छोड़कर जा रहे हैं और सदन में जो विधायक उनके लिए उनके साथ खड़े थे वो भी एक एक करके उनके वो पारिवारिक सदस्यों को आगे बढ़ा रहे हैं, दूसरी राजनीतिक दलों में भेज रहे हैं और अपने जो प्रभार उन्हें मिले हुए थे जब मैं जनता पार्टी में रहने के दौरान वे छोड़ रहे हैं, तो सीधा साफ संदेश देने की कोशिश वो कर रहे हैं कि जननायक जनता पार्टी से न केवल जनता का विश्वास हटाए उनके कार्यकर्ताओं नेताओं और साथ और ये तस्वीरें हम एक बार फिर बता दें, ये तस्वीरें बहुत कुछ एक्सप्लेन कर रही हैं। भले ही जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ता या पार्टी के नेता इसको स्वीकार करने के लिए तैयार ना हो, लेकिन अंदर खाने या
अंदर ही अंदर वो भी ये समझ रहे हैं कि पार्टी किन हालातों में पहुंच चुकी है। बहुत कुछ कह रही हैं ये तस्वीरें। बहुत शुक्रिया करूंगी क्योंकि वक्त इससे ज्यादा की इजाजत नहीं दे रहा। आप तीनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। अजय गुलिया साहब आपका भी, राजेंद्र जादौन आपका भी, और अमित तिवारी जी आपका भी धन्यवाद। तो देखिए, तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई और सवाल जवाब भी हमने किए। अब देखने वाली ये बात है कि जेजेपी जो है, जननायक जनता पार्टी जो है, वो इन तस्वीरों पर या इन हालातों पर किस तरह से विचार करती है, किस तरह से खुद को मजबूत करने का काम करती है। फिलहाल इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।